अनामिका चंद्रा के कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑरेंज बर्फी बनाएंगे। यह बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है, तो चलिए ऑरेंज बर्फी बनाना शुरू करते हैं। ऑरेंज बर्फी बनाने के लिए मैंने 6 ऑरेंज को अच्छे से छील करके उसका पल्प निकाल लिया है, इसका बीज भी निकाल लिया है मैंने, और 100 ग्राम के करीब मैंने खोया लिया है और 100 ग्राम के लगभग मैंने सूखा नारियल को खींच लिया है और 150 ग्राम के लगभग मैंने शुगर लिया है। अब हम लोग गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसके बाद कढ़ाई में जो मैंने पल्प निकाला है उसको डालेंगे। ये मैंने पल्प को कढ़ाई के अंदर डाला, अब गैस ऑन करेंगे। ये मैंने गैस ऑन कर दिया, अब गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसको चलाते हुए पकाएंगे। लगभग 10 से 15 मिनट इसको पकाने में लगेगा। इस तरीके से चलाते हुए हम लोग पकाएंगे, ऐसे इसको तोड़ते भी रहेंगे थोड़ा। कंटिन्यू गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे, काफी टेस्टी बनता है ये बर्फी। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें शक्कर डालेंगे। ये मैंने शक्कर डाला, शक्कर थोड़ा कम और ज्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसमें 150 ग्राम शक्कर डाला है। अब इसे कंटिन्यू ऐसे चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है, तो फ्लेम हाई ही रखेंगे और इसे सूखने तक पकाएंगे। ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, अब इसे सूखने तक हम लोग पकने देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ताकि हमारा जो बर्फी बन के रेडी होगा उसका कलर अच्छा दिखे। ये अभी लिक्विड फॉर्म में है, अब इस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालेंगे ताकि हमारे बर्फी का कलर सुंदर बन सके। अभी कंटिन्यू इसे हाई फ्लेम पे ही रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसमें हम लोग एक चुटकी के लगभग ऑरेंज कलर डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। कलर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम और ज्यादा कर सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे कंटिन्यू सूखने तक पकाते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मेरा ऑरेंज और जो मैंने शक्कर डाला है वो अच्छे से पक रहा है। काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, बट बर्फी बनाने के लिए इसे हमें थोड़ा सा और गाढ़ा करना पड़ेगा। अब इसी स्टेज में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ग्रेट किया हुआ जो नारियल हमारे पास है, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या फिर घर में भी उसको ग्रेट करके कर सकते हैं। तो अब हम लोग वो नारियल डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हम मुझे कितना गाढ़ा चाहिए कितना पतला चाहिए उस हिसाब से मिक्स करेंगे अच्छे से। इस तरीके से चलाते हुए हम लोग पकाएंगे।
मुझे लगता है इस बर्फी में मैंने जो नारियल आप लोगों को बताया है उतना लग ही जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला रहेगा तो फिर हमारा बर्फी ठीक से कटेगा नहीं। ये मैंने पूरा नारियल डाल दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर से लगभग 2 से 3 मिनट इसे हम लोग पका लेंगे। अगर ज़्यादा सूखने लगे तो हम लोग बंद कर देंगे, बट मेरा जो मिक्सचर है वो अभी ठीक है, तो इसे थोड़ी देर हम लोग पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम लोग इसके अंदर खोआ ऐड करेंगे। ये मैंने घर में ही बना लिया है खोआ, आप चाहे तो मार्केट से भी ला सकते हैं। मिक्स करेंगे, खोआ भी धीरे धीरे डालेंगे। ऐसे मिक्स करते हुए हम लोग खोआ पकाएंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी गैस का फ्लेम हम लोग स्लो कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जले ना। खोया को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, कलर भी बहुत सुंदर आया है। अगर खोया डालने के बाद कलर कम दिखे तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, दूध में थोड़ा सा कलर मिक्स करके और डाल दीजिए, फिर मिक्स कर लीजिए। क्योंकि अगर सूखा कलर डालिएगा बाद में तो वो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, अब हम लोग इस स्टेज में गैस ऑफ करेंगे। ये मैंने एक प्लेट में घी लगा के रखा है, अब जो मिक्सचर है उसको हम लोग इसमें डालेंगे और सेट होने के बाद और ठंडा जब हो जाए तो फिर इसे हम लोग काटेंगे। मेरे पास कंटेनर नहीं है, आप चाहें तो कंटेनर का यूज कर सकते। ये मैंने एक प्लेट में अच्छे से घी लगा लिया है, अब हमारा जो मिक्सचर है उसको इसमें डाल के अच्छे से फैला देंगे, फिर ठंडा होने के बाद कट करेंगे। आप चाहे तो कंटेनर का यूज कर सकते हैं, मेरे पास कंटेनर नहीं है इसलिए मैंने प्लेट का यूज़ किया है। इस तरीके से मैंने इसमें फैला दिया है, अब इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। मेरे पास सिल्वर फॉयल नहीं है, अगर आपके पास सिल्वर फॉयल अवेलेबल है तो आप इसके ऊपर लगा दें, सुंदर दिखेगा। अब इसे ठंडा होने देते हैं, फिर कट करेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसे हम लोग कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया, अब हमारा बर्फी बिल्कुल रेडी। ये मैंने कट कर लिया, अब इसे हम लोग एक प्लेट में डालें। ये हमारा बर्फी बनकर बिल्कुल रेडी है, इसे मैंने एक प्लेट में अरेंज कर लिया है। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।